अस्सलाम वालेकुम। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर। मुझे बताएं कि मैं जवाब तो छुट्टी पे अपना, सॉरी शुएब छुट्टी पे आज। यस सर। जवाब तो आपका जो ये जो है ना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, यस सर, ये कुछ समझ आया? आपने काम में भेज दिया लेकिन मुझे आपको समझ आया, ये रूल्स वगैरह कुछ सवाले से बात समझ आई है आपको कुछ? यस सर, समझ आई है, क्योंकि हमने एग्जांपल भी करनी है इसकी, तो क्योंकि शेयर छुट्टी पर है तो यस सर, आवाज कट। क्या करें, रिवीजन कर लें, टेस्ट फिर मंडे को कर लें? मंडे को आ जाएगा ना शुएब? यस सर, मंडे को आ जाएगा। हाँ, तो इसके ऐसे करते हैं कि इन रूल को देख लेते हैं और फिर चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं, टेस्ट इंशाल्लाह करेंगे हम फिर मंडे को ना, क्योंकि जाहिर है आप अकेले हैं क्लास में, तो वो टेस्ट में एक्टिव वाइज और पैसिव क्या कह रहे हो? कर लेते हैं सर जी, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज एग्जांपल कर लेते हैं सर। एग्जांपल्स? यस सर। अच्छा, तो फिर बेचारा वो शुएब को फिर आप उसको भी करना पड़ेगा ना, कह रहे तो उसको भी करना पड़ेगा ना फिर लेकिन टेस्ट में हम शामिल नहीं करते इनको, फिर ऐसे करेंगे, टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे लेकिन अगले टेस्ट में शामिल कर लेंगे इनको, ठीक है? यस सर। हाँ, या क्यों, वैसे अगले टेस्ट में शामिल कर लेंगे लेकिन इसमें आपके चल के आप क्लियर हो जाएं, आप और शुएब। ओके, अच्छा सर, अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा जो है ना वेस्ट ना हो, ठीक है ना? टाइम किल नहीं होना चाहिए, टाइम इज मनी। तो ये जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के हवाले से आपने, मैं कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दें ताकि एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो आपको वो माइंड में आपके होगा, तो आप इजीली उसको बना लेंगे, ठीक है? आप ओके सर, अगर ना मुश्किल हुआ तो ज़ाहिर मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी सीखने के अमल में आप हैं अभी आप, ठीक है? देखें, ये जो है, मुझे आप ये बताएं कि एक्टिव वॉइस में जो है कि जुमला में कौन सी तीन चीज़ों का आना ज़रूरी है, फिर हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वो कौन सी तीन चीज़ें हैं ग्रामर की जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के जुमला में होना बहुत ज़रूरी है, बताओ वो कौन सी हैं? ये सर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हम ये अपना पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? इसकी सर थर्ड फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। अब ये भी बताएं कि अगर, अच्छा, जब हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, आई किस में चेंज होता है? आई सर मी में। आई मी में है, यू किस में जाएगा? यू यू ही होता है सर, यू यू में रहेगा। और दे किस में जाता है? दे देम में सर, देम में। और वी किस में है? वी अस में, वी अस में है। और ही किस में है? ही हिम, हिम में है। और शी किस में है? ही हर, हर में है, ठीक है? यस सर। पैसे वाइस में हम इनको चेंज करते हैं, आखिर में ले जाते हैं, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं पैसे वाइस में? पहले हम बाय, 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं कि एक और चीज मुझे बताएं कि कौन से तीन टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव वैसे पैसिव में तब्दील नहीं कर सकते सर? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बिल्कुल ठीक है। और अब मैं ये बताएं कि वो कौन से टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव वैसे पैसिव में तब्दील कर सकते हैं? सर नाइन्थ टेंस हैं जिनको हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज कर सकते हैं। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर डेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके, क्वाइट राइट। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हम चेंज करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस में हम कौन सा हैपिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैपिंग वर्ब कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब सर किस को किस में? हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा होगा पैसिव वॉइस में? इसमें सर इज आएगा। बिल्कुल ठीक है, इज आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सर इज बीइंग, इज बीइंग, BEING, ओके जी। हाँ जी सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे आप पैसिव वॉइस में, तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हैज बीन सर। हैज बीन, बिल्कुल ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसका सर? पास्ट वाज इंडेफिनिट बीन, टेंस वाज, वाज बीन, नहीं सिर्फ नहीं वाज है नहीं सर। सिर्फ वाज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ वाज ओके है पैसिव वॉइस में जी। ओके और मैम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में के पैसिव वॉइस में हैप्पी वर्ब कौन सा है? वाज बीइंग, वाज बीइंग, बिल्कुल ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है जो बताया हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यस सर। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसका हैड बीन सर। हैड बीन है, बिल्कुल ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसका सर फ्यूचर विल बी, वेल बी सर। विल बी। यस और सर वेल फ्यूचर बी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वेल बीइंग सर। विल बी बीइंग, विल बी वेल बीइंग, बीइंग, विल बी अच्छा बीइंग, बीइंग, ओके ओके सर। ओके। तो आप मुझे ये बताएं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है पैसिव वॉइस उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसका वेल हैव Will बीन have सर। been, will यस have सर been, बी डबल एन, बीन। क्लियर? ओके सर अब मेरा ख्याल यस है सर आप बना सकते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपको ये थोड़ी सी याद भी हो गई है, आपको रिपीट भी हो गया है मामला। चलो शुरू करो, आज एग्जाम्पल्स करते हैं और शेयर को बाद में करवा देंगे, कोई मसला नहीं है, एक दफा और क्लास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन मंडे को टेस्ट है उसमें शामिल नहीं होंगे, ओके। लेकिन अगले टेस्ट में, अगले सैटरडे जो सैटरडे होगा उसमें शामिल होंगे, ओके टेस्ट में। चलो मैं आपके सामने लिखो, शाबाश लिखो आप, आपको चेंज करो पैसिव वॉइस में, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा मसला हुआ तो। यस सर। ही प्लेज द मैच, ही प्लेज द मैच, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसको चेंज करें पैसिव वॉइस बनाए इसका, और फिर मुझे बताएं गलती तो मैं ठीक करा दूंगा आपको। इसको किस में चेंज करना है सर? पैसे वाइस में चेंज करेंगे ना, ये एक्टिव वाइस है ना आपका, तो आपको पता नहीं कि नो टेंस आपके एक्टिव वाइस पैसे वाइस में चेंज हो सकते हैं, इनमें तीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं ना टेंसेस में, तो पता ही है आपको जी। शाबाश, सर हम प्लेज द मैच। क्या बनाया आपने? मैं जैसे कि ये था ही प्लेज द मैच, जी जी इसमें एक्टिव वर्ब में ये हम प्लेज द मैच। नहीं 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 इसको लिखें आप, अभी शुरू में मसला होगा आप फिर समझ जाएंगे इंशाल्लाह। दी मैच लिखें आप, दी मैच इज प्लेड बाय हिम, आपका ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा ना, आप आदमी चला जाएगा चेंज होके, उसमें बाई लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, इज लग जाएगा, वो सब कुछ आ गया इसमें नहीं आया? यस सर यस सर। दी मैच इज प्लेड बाई हिम, मैच उससे खेला जाता है, वो मैच खेलता है, मैच उससे खेला जाता है, बात एक ही है, लेकिन पहली जो बात है वो आसान है, दूसरी बात मुश्किल है, लेकिन बात एक ही की जा रही है, ओके। बात में दो तरीके होते हैं, पहला जो आसान तरीका एक्टिव वाइस है, मुश्किल पैसिव वाइस है, बात वही होती है, वो मैच खेलता है एक्टिव वाइस है, मैच उससे खेला जाता है पैसिव वाइस है। आपके पास रूल सारे इसमें आ गए हैं, मैंने कहा था आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाएगी, ये रूल खोया था मैंने आपको,
सब्जेक्ट आपका चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो शुरू करेंगे हमेशा आर्टिकल से, यू याद रखें आप, आपने हमेशा आर्टिकल से शुरू करना है पैसिव वॉइस को, ठीक है। जैसे कि दी मैच इज प्लेड बाई हिम, और कोई बोले अब मैं चेंज करूंगा। हाँ, अब आप लिखें कि शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूं सर? जी, हाँ जाहिर है आप पैसिव में करेंगे ना, वो किसमें एक्टिव पैसिव में चेंज होते हैं जुमले हमेशा, आपको रूल में लिखवाया मैंने आपको ये। शी रीड्स अ बुक, ये मैंने बनाया है, ए बुक इज रीड बाय हर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही है, ए बुक इज रीड बाय हर। यस सर, आपकी थर्ड फॉर्म आ गई ना रीड। यस सर, तो पहली फॉर्म रीड होती है, सेकंड रेड है, थर्ड रीड है, चौथी रीडिंग है, अब थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में, ए बुक इज रीड बाय हर, किताब उससे पढ़ी जाती है। अब उर्दू में कर लिया करो, आपको आसानी हो जाती है उर्दू से इंग्लिश में करने में, क्या ख्याल है? यस सर जी, आप आगे चलें, इसी को हम पहले हम करेंगे, पहले डेफिनेशन में पूरी ग्रिप हो जाए, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने की, फिर हम आगे चलेंगे। आप लिखें वी टेक द लंच, हम दोपहर खाना लेते हैं, वी टेक द लंच, वी टेक द लंच, ओके सर जी। शाबाश, बनाओ, वी टेक द लंच सर, ये बनाया मैंने, द लंच इज टेक अस, नो नो, बाय अस, वी टेक द लंच है दी, शुरू में हमेशा दी पढ़ेंगे, सेंटर आखिर में आएगा दा पढ़ेंगे, दी लंच इज टेकन बाय अस, बाय अस, रूल को देख के बनाओ, ठीक है ना, रूल लिखे हुए आपके पास, देख के बनाओ, जबानी नहीं करना, देख के बनाओ, ठीक है। अभी जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप जबानी कर लिया करेंगे। दी लंच ओके इज टेकन बाय अस, वो खाना लेते हैं, खाना उनसे लिया जाता है, दोपहर का खाना, वो दोपहर खाना लेते हैं, दोपहर खाना उनसे लिया जाता है, दी लंच इज टेकन बाय, सॉरी हम है ना, हम दोपहर खाना लेते हैं, दोपहर खाना हमसे लिया लिया जाता है, दी लंच इज टेकन बाय अस, ओके। आगे लिखें, लिख लिया, लिख लिया आपने, हाँ आगे लिखें कि दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, चेंज करो पैसे वाइस में, ये क्या बनाया? यस वाटर इज ड्रंक बाय देम, वेरी गुड, वेरी गुड। जब आर्टिकल नहीं होगा तो फिर आपने डायरेक्ट शुरू करना होगा नाउन से, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट भी है नाउन भी है, वाटर, जो वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर इज ड्रंक बाय देम, वो पानी पीते हैं
पानी उनसे पिया जाता है, वाटर इज ड्रंक बाय देम, ड्रंक थर्ड फॉर्म में वर्ब की डी आर यू एन के, ओके ये लिखा है ना? यस सर, डी आर यू एन के थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखे आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी, जी आई टेक टी, जी चाय उससे ली जाती है। सर टी इज टेकन बाय मी, वेरी गुड, टी इज टेकन बाय मी, वेरी गुड। चलो आगे, चलो आगे है, ही वॉच द टीवी, वो टीवी देखता है, ही वॉच द टीवी, वॉच का स्पेलिंग आते हैं नहीं आते, डब्ल्यू ए टी सी एस, ही वॉच द टीवी, वो टीवी देखता है, टीवी उर्दू में कर लिया करो, जैसे पैसे में उर्दू में करके आसानी हुई थी इंग्लिश में करने में, वो टीवी देखता है, ही वॉच द टीवी, सर ये बनाया दी टीवी इज वॉच्ड बाय हर, नहीं ही है ना, शी तो नहीं है, हिम सर सॉरी, हिम आएगा, दी टीवी इज वॉच्ड बाय हिम, वॉच बाय हिम, हाँ ये बड़ा ख्याल करना है, जरा सी गलती बड़ी गलती बन जाएगी इसमें, ठीक है ना, जरा सी गलती जो है ना इसमें कोई माफी नहीं गलती की इसमें, ठीक है। ये जो है ना इंग्लिश की मैथमेटिक्स है, याद रखना इस बात को, जिसे इंग्लिश होते ना मैथमेटिक्स में फार्मूले होते हैं, यस सर, अगर फार्मूला गलत होगा तो ज़रा जवाब भी गलत आएगा, यही हिसाब यहां पर है कि अगर फार्मूला गलत है तो आंसर भी यहां पे गलत आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। जी आगे है, देखो शी 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 डज, She does homework, वो घर का काम करती है, she does homework, she does homework, सर होम इज वर्कड बाय हर, जी क्या लिखा आपने, होम इज वर्क बाय होमवर्क, होमवर्क इकट्ठे लिखना है आपने, होमवर्क इज डन बाय हर, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क की, डू डिड डन, होमवर्क इज डन बाय हर, वो घर काम करती है, घर काम उसके जरिए किया जाता है, उससे किया जाता है, ओके सर, होमवर्क इज डन बाय हर, हाँ एच बड़ा आएगा, ठीक है ना, शुरू में जब जुमला शुरू करते हैं हमेशा पहला वर्ड कैपिटल लेटर बड़ा एबीसी में लिखना, याद रखिएगा, गलती नहीं करनी, ओके सर। जी आगे चलें, आगे लिखें आप, वी टेक द रेस्ट, हम आराम करते हैं या हमारा आराम लेते हैं या आराम करते हैं, वी टेक द रेस्ट, वी टेक द रेस्ट, वी टेक द रेस्ट, जी बनाओ, जी
सर वो कॉल आ गई थी सर, दोबारा रिपीट करेंगे? किसका? कॉल आ गई थी बीच में सर अब्बू की, दोबारा रिपीट करेंगे? अच्छा, पहले वाला, पिछला वाला, ये जो अभी बोला आपने सर। अभी बोला है? अच्छा, वी टेक द रेस्ट, वी टेक द वी रेस्ट, वी टेक द रेस्ट, हम आराम करते हैं या आराम लेते हैं। रेस्ट, वी टेक द रेस्ट, सर द रेस्ट इज टेक बाय अस। नो, टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन है। सर सॉरी, बाकी फॉर्म टेकन आपने बुक नहीं खरीदी अभी तक? बुक्स, बुक लेने हैं बट फॉर्म की यार, बुक मिल जाएगी आपको 30-35 रुपए की। तो देख लिया करें, ओके सर, बाकी आज लो। देख के बेशक लगा दिया करें जब सीखने के मामले में, तो आप उसको याद रटा बात लगा लें। आपको कहूँगा अभी खत्म हो रहा है लॉकडाउन, तो आपको यकम जनवरी से आपने आ जाना है ना इंशाल्लाह, ठीक है ना? यस एक मेरे से आपने आ जाना यहाँ पे, आपको फिर बताऊँ गाइड, यहीं से बुक मिल जाएगी आपको मरकज से। अच्छा ये है जी के वी टेक द रेस्ट, सर, दी रेस्ट डोमिनेट, इज टेकन बाय अस, हम आराम करते हैं या हम आराम लेते हैं, आराम हमसे लिया जाता है या हम आराम आराम हमसे लिया जाता है, हम आराम करते हैं, आराम हमसे लिया जाता है। The rest is taken by us. Okay? Next ओके सर, लिखें आप, दे रीड द न्यूज़पेपर, दे रीड द न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ते हैं, दे रीड द न्यूज़पेपर। ये क्या हो गया? एक मिनट, सर, दी न्यूज़ इज, दी न्यूज़पेपर, दी न्यूज़पेपर पेपर कट्ठा इज, लिखते हैं, इसमें जगह नहीं छोड़ते हैं। दी न्यूज पेपर, दी न्यूज़पेपर रीड, रीड इज रीड, थर्ड फॉर्म रीड होगी ना, दी न्यूज पेपर इज रीड यस बाय देम। सर, न्यूज़पेपर इज रीड बाय देम। ओके यस सर, जी, ऐसे ही होगा। जी आगे बोलना सर। आगे लिखो, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। लेटर, आई राइट अ लेटर, ए लेटर, ए लेटर लेटर इज रिटन बाय मी,
A letter is written by me. मैं लिखता हूँ, खत मुझसे लिखा जाता है. A letter is written by me. Written में double T आता है. WRITEN. ओके सर. आगे है, आगे लिखो आपके. She completes the work. वो काम मुकम्मल करती है. She completes the work. She completes the work. The work is completed by her. The work is completed. Third form completed है. Completed. Okay sir. The work is completed by her. By her. इस तरह करना है आपने. बाकी प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे ना, वो शुभ भी आ जाए ना. ठीक है. यस सर. आपका टेस्ट भी कर लेंगे और परसों फिर इसका हम एग्जांपल भी कर लेंगे मजीद. ठीक है ना. ओके सर. हाँ, अभी आप इसको देखो अभी आप, क्योंकि अभी आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से पक्के हो जाए आप ना. यस सर. तो ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे एक मसला बन के तो आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये एग्जाम्पल हम परसों, आप टेस्ट होगा आपका पहले, फिर हम करेंगे इसी एग्जाम्पल्स. ठीक है ना, ताकि ये भी आपके पक्के हो जाए, टाइम ज़्यादा ना हो परसों जो है, ताकि फिर हम आगे और चीजें शुरू करेंगे. आगे डायरेक्ट स्पीच इंडेक्स भी जो रहते हैं अभी हमारे. ठीक है, तो लैंग्वेज शुरू करनी है आपकी. ठीक है. और मैं आपको हर एक एक सेंटेंस की वो बना के भेज दूंगा, आप चेक कर लेना सर. इसकी बना के भेज दो ना मुझे. ये जो आपका एग्जांपल मौजूद है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल मौजूद है आपके पास, उनको पैसे हमें चेंज करके मुझे भेज देना. ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा आज का. तो ओके सर, उसको भी आपने अच्छे से देख लेना, आज की देख के बनाना. कोई और सवाल है पूछ लो, कोई सवाल है तो. वर्ड मीनिंग लिखवाएंगे आज? वर्ड मीनिंग्स नहीं, वर्ड मीनिंग लिखवाने मैंने आपको, वही होगा क्योंकि वो शुभ भी हो ना, फिर इकट्ठा होता है ना फिर मामला. अभी आज के मैंने कहा चलो चार टाइम जाना हो, क्लास जाना हो आज की आपकी. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, रिवीजन में कोई मसला है मुझसे पूछ लो, कोई सवाल पूछ लो. रिवीजन में मसला है, टेंसिंग में मसला कोई है, या कोई आपको वोकैबुलरी में मसला है, देख लो आप. सर ये हमारे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिस पर काम किया जाता है ना, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. बेजान, जिस पर काम किया जाता है, जिस तरह बुक है. ठीक है ना, बेजान बुक है, टेबल है, या मतलब ये इस तरह का हो गया ना, जैसे ये बेजान चीजें जो होती हैं, लेटर हो गया. ठीक है ना. यस सर. लेटर वगैरह ये वो. यस सर. लंच वगैरह हो गया, खाना डिनर हो गया. ठीक है ना, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये सारी ऑब्जेक्ट होती हैं. जिस पर काम किए, काम करने के लिए तीन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है. पहले काम करने वाला हो, फिर काम कौन सा करना है, किस पर करना है. तीन चीज़ें होंगी तो काम होता है कोई भी. ठीक है ना. नेगेटिव सेंटेंस देख लो, इंटरोगेटिव देख लो, उसमें कोई मसला है वो देख लो, टेंसेस का मसला है वो मुझसे पूछ लो, कोई वोकैबुलरी का मसला है वो मुझसे पूछ लो, पार्ट टू स्पीच का मसला है वो पूछ लो मेरे से. ठीक है ना, काफी चीजें हो गई आपकी, जमा हो गई आप टेस्ट के लिए. बेहतरीन तरीका ये होता है जवाब प्रैक्टिस करने का कि आपने टेंसेस को, यानी कि आपने शुरू किया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू किया आपने,
उसको चेंज करें नेगेटिव सेंटेंस में, फिर उसको करें इंटरोगेटिव में, फिर दूसरे टेंस में चेंज करें इसको टेंस को, फिर आप चेंज करें उसको नेगेटिव सेंटेंस में, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। फिर इसी तरह फिर टेंस में चेंज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, फिर नेगेटिव सेंटेंस में, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आपकी तैयारी बड़ी स्मार्ट हो जाएगी, यानी कि आपके टेंस भी आपके पक्के हो जाएंगे, आपके नेगेटिव सेंटेंस भी पक्के हो जाएंगे, इंटरोगेटिव भी पक्के हो जाएंगे। क्या ख्याल है? यस सर। जी जरा वोकैबुलरी को देख लें आप, कि उसको आप इंग्लिश में लिखा करें जुबानी, उर्दू के लफ्ज देखें इंग्लिश में, अगर स्पेलिंग आपके इंप्रूव हो जाए वो मिला लिया करें, गलत हो वो ठीक कर लिया करें, ठीक है। अपना टेस्ट खुद ही लिया करें आप, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अपने आप से खुद ही आप रिपीट किया करें, फिर आप लिखा करें जबानी कोई मिलाया करें उनके साथ, ठीक है। यस सर। इंशाल्लाह परसों आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एक्टिव पैसेज कंप्लीट इंशाल्लाह। सो ये जो है ना, क्योंकि कल फिर छुट्टी आ गई है आपकी ना, ठीक है ना, तो फिर आपका टेस्ट आ रहा है आगे, मंडे को टेस्ट है। ये सब जो चीज़ आप तैयार कर सकते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मुकाबला है आपका और शुएब का, ठीक है ना। यस सर। फर्स्ट पोजीशन के लिए मुकाबला है, परफेक्ट कंपटीशन है, पक्का सख्त मुकाबला है। पहले कौन फर्स्ट आया था पिछले टेस्ट में? शुएब आया था सर। शुएब आया था, अच्छा तो आप क्रॉस मारो उसको, ठीक है। एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, एक नंबर भी आपने लूज कर दिया ना अगर आपने, तो पोजीशन शुएब ले सकता है, या शुएब ने लूज कर अपना कर दिया तो आप ले सकते हैं पोजीशन, आपने लूज किया तो वो ले सकता है पोजीशन, ठीक है ना। एक नंबर बड़ा कीमती होता है, कोई भी नंबर फजूल नहीं है, एक नंबर की वजह से पोजीशन जाती भी और आती है। देख लो, कोई और सवाल तो नहीं है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बस अभी तैयारी। ठीक है, फिर आप इसको रिवीजन सर रिवाइज करो, फिर इंशाल्लाह मंडे को वही क्लास शार्प जो है ठीक अपने टाइम पर क्लास होगी 10 बजे, 10 से 11, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं फिर इंशाल्लाह, मुलाकात परसों होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश गुड लक। गुड लक।